नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर लेने के बाद यूएई पहुंच चुके हैं। फ्रांस में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। वहीं सैन्य जरूरतों के लिहाज से भी पीएम मोदी का फ्रांस दौरा बेहद अहम रहा। लेकिन इस वीडियो में बात फ्रांस जैसे विकसित और सैन्य ताकत माने जाने वाले देश की नहीं, बल्कि एक मुस्लिम देश यूएई के साथ भारत के रिश्तों की करेंगे। इस रिश्ते की अहमियत आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पीएम मोदी को 2019 में यूएई के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया था। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये यूएई का 5वां दौरा है, जो भारत और यूएई के गहरे होते संबंधों का भी एक प्रमाण है। बीते साल ही भारत और यूएई के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे हुए थे। ऐसे में भारत अरब देशों के साथ भी अपने संबंधों को लगातार बेहतर करता जा रहा है। यूएई की इस यात्रा पर पीएम मोदी का राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी उनकी मुलाकात हुई। और इतना ही नहीं, अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में यूएई की पहचान बुर्ज खलीफा भी तिरंगे के रंग में रंगी नजर आई। पीएम मोदी 34 साल बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साल 2015 में यूएई का दौरा किया था। पीएम मोदी के कार्यकाल में यूएई और भारत के बीच दोस्ती एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। यूएई पश्चिमी एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पार्टनर भी बन चुका है। यूएई में समय करीब 35 लाख भारतीय काम करते हैं, जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। भारत और यूएई के बीच बढ़ती दोस्ती का ही असर है कि अबू धाबी ने पाकिस्तान का साथ छोड़कर कश्मीर पर भारत का साथ दिया था। जम्मू कश्मीर में यूएई बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, जिससे कि पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय काम करते हैं, जो वहाँ की जो कुल आबादी है उसके 30% है। यूएई में भारतीय प्रवासियों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। ये भारतीय यूएई के विकास में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में मुस्लिम देश यूएई ने 26 एकड़ जमीन दी थी ताकि वहां पर हिंदू मंदिर बनाया जा सके। अबू धाबी में ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और खुद यूएई की सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। साल 2019 में यूएई ने पाकिस्तान की आपत्ति को खारिज करते हुए भारत को इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक में भी आमंत्रित किया था। भारत को मिले इस न्योते से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया था कि उसने इस बैठक का ही बहिष्कार कर दिया। इसके अलावा यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार भी है। साल 2022-23 में यूएई के साथ भारत का 76 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसके बाद सऊदी अरब और सिंगापुर का नंबर था। यूएई और भारत ने इसे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए। भारत अब्राहम समझौते के बाद इजराइल के साथ मिलकर यूएई से अपने व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत कर रहा है। I2U2 नाम से भी एक नया ग्रुप बनाया गया, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस शामिल हैं। यूएई से अरबों डॉलर का विदेशी निवेश भी भारत आया है। यूएई तेल पर से अपनी निर्भरता को खत्म करके ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहता है और भारत के साथ दोस्ती इसमें उसकी मदद कर रही है। भारत यूएई के साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी सहयोग कर रहा है। और इतना ही नहीं, वैश्विक मुद्दों पर भी भारत और यूएई एक समान सोच रखते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि वैश्विक साझेदारी के स्तर पर भारत और यूएई का एक दूसरे के लिए कितना महत्व है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।